हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कढ़ाई में तेल डाल देंगे। जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम हमारा पकोड़े का बैटर बना देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया है। अब हम इसमें कटी हुई, ये मैंने बारीक काट के रखी है पालक, धोकर इसको डाल देंगे। अब हम इसमें 1 आलू डालेंगे। ये मैंने आलू को छील कर इसको कद्दूकस कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और 1 चुटकी हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बस अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। पानी अभी नहीं डालना क्योंकि पहले इसको मिक्स करना है। पालक और आलू में भी पानी होता है, इसलिए हम इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही बैटर बनाएं, इससे आपका बैटर ज़्यादा गीला नहीं होगा, गाढ़ा गाढ़ा रखना है आपको। ये देखिए, हमारा ये बैटर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। ये तैयार है पकौड़ों के लिए। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है, तो चलिए पकौड़े बनाते हैं। इसमें इस वक्त आपको आँच कम ही रखनी है, वरना आपके पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से इसको बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए, हमारे पकोड़े बिल्कुल बन गए हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए था हमें। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें।